आज मार्केट के पास ठीक ठाक संकेत है। आज फिर से हम एक हफ्ते की जो शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद तो करते हैं कि ज़्यादा मोमेंटम तो इसमें नहीं रहेगा और इसी मोमेंटम के साथ आप आगे चलें और इसके अंदर कैसे ट्रेड करना है और कैसे इसके लेवल्स के हिसाब से आपको प्ले करना है या सुबह 7 बजे से आपको मिलना शुरू हो रहा है। तो पहले एसजेक्स निफ्टी देख लेते हैं और उसके बाद फिर सिलसिला तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यूएस मार्केट से संकेत क्या है और सभी चीज़ें क्या हम बता रही है। अगर आप अभी एसजेक्स निफ्टी को देख रहे हैं 60 अंकों की गिरावट के साथ है, ये गिरावट थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी आपको क्योंकि 60 अंकों की गिरावट पिछले हफ्ते में हमने कभी भी एसजेक्स निफ्टी पर नहीं देखी है और आज शुरुआत में करीब 60 अंकों के आसपास का नुकसान है, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। एसजेक्स निफ्टी करीब 10,430 पर है, एक अहम सपोर्ट है मार्केट का, मैं अभी से ही आपके सामने शेयर कर देता हूँ, वह है 390 का। ये नहीं टूटना चाहिए, 452 पे हमारा अपना बाजार क्लोज हुआ है और ये करीब 50 से 60 पॉइंट ही बनते हैं, तो 390 का वेरी वेरी इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये टूट जाएगा तो शायद हो सकता है गिरावट बढ़ जाए, लेकिन खैर इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के आप आंकड़े देख लीजिए। यूएस मार्केट्स के अंदर करीब 0.25% की बढ़त आते हुए दिखी है, ये बढ़त क्यों आई, ये रिकॉर्ड स्तरों पर यूएस मार्केट्स भी बंद हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, समझाने के लिए रजत मेरे सहयोगी हैं और उनसे समझते हैं कि यूएस मार्केट्स, एशियन मार्केट्स और जो भी बाजार बीते सत्रों में जिनमें कामकाज कैसे रहा उसका पूरा ब्यौरा इनके पास है। रजत बताएं कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या हुआ। अमेरिकन मार्केट्स तो रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोज करके गए हैं निफ्टी, लेकिन आज जो ओपनिंग हो रही है ना एसजेक्स निफ्टी की वो इतनी एक्साइटिंग नहीं है, ज्यादातर मिले जुले संकेत एशियन मार्केट से देखने को मिल रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी फिलहाल आधे फीसदी गोता लगा गया है, शुरुआती सत्र में 53 पॉइंट्स की गिरावट है, ये गिरावट अभी भी ज्यादा देखने को मिली है इनफैक्ट पिछले 10-15 मिनटों में। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स तो रिकॉर्ड स्तरों पर बंद होते हुए नजर आए थे, ट्रिगर्स थे यहां पर, एक तो अर्निंग्स जिस तरीके की पेश की थी एप्पल ने, लगभग 2% स्टॉक में तेजी देखने को मिली और ये बता दूं कि इतनी स्ट्रांग एक्सपेक्टेशंस नहीं थी एप्पल में कि काफी स्ट्रांग अर्निंग्स पेश करेगा, लेकिन की स्टॉक तेज हुआ उसके कारण रिकॉर्ड स्तरों पर नैसडैक बंद होता हुआ नजर आया। एक और डील थी क्वालकॉम, ये कहीं ना कहीं फोकस में और उस स्टॉक में भी 12% के आसपास के रिटर्न मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि बैंक ऑफ जापान ने जो पॉलिसीज पर पेश किया उसमें भी ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। याद होगा पिछले हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ा दी, लेकिन बैंक ऑफ जापान कंसिडरिंग इन्फ्लेशन वहां बहुत कम है, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं देखने को मिली। एशिया बाजारों की मिलीजुली शुरुआत है, ज्यादातर मार्केट्स जो है वो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, तो हो सकता है इंडियन मार्केट्स पे आज थोड़ा दबाव ही देखने को मिले। लेकिन जो फोकस एरिया है वो है क्रूड, 2015 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पे है क्रूड। ये 2015 के बाद उच्चतम स्तरों पे तो है क्रूड, लेकिन इसमें क्रूड का दायरा क्या है, आउटलुक क्या मिल रहा है, क्यों हमको $62 के आसपास क्रूड देखने को मिल रहा है अभी? देखिए अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि किस रेंज में कामकाज करेगा, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट है, यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। अगर आप पिछले हफ्ते ही देखेंगे तो लगभग 3% के आसपास की तेजी इसको 2015 के सबसे उच्चतम स्तर पर ले गई, $62 पे ब्रेंट कामकाज कर रहा है और ये बता दो इंडियन इकोनॉमी के लिए $60 के ऊपर जाना बहुत खतरे की सिचुएशन होती है। जून 2017 से अब तक देखें तो लगभग 37% के रिटर्न इस कॉमोडिटी में जनरेट हुए हैं और जो आप ट्रिगर्स की बात कर रहे थे उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि ओपेक देश और साथ साथ जो अन्य देश हैं उनमें जो डील साइन हुई है कि वो आउटपुट कटौती करेंगे वो एक्सटेंड हो सकती है। ओपेक की ये नवंबर में के आखिरी में एक बैठक होनी है और उसमें भी हो सकता है कि इस डील को एक्सटेंड करने की ही बात की जाए। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर था, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने कुछ मेजर यहां पर घोषणाएं की हैं, इनफैक्ट वहां पर अरेस्ट भी हुए हैं कुछ मुद्दों को लेकर, बड़े प्रोफाइल अरेस्ट हुए हैं, उसका भी असर ग्लोबल कॉमोडिटी पे क्रूड पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल थोड़ी यही स्थिति बन रही है कि शायद कच्चे तेल में जल्दी से नरमी नहीं आए, ये बने रह सकते हैं, कुछ एक ट्रिगर्स आप उनको गिनवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल को लेकर काफी उथल पुथल और काफी गर्मी भी है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना होगा। रजत शुक्रिया हमको ये बताने के लिए कि यूएस मार्केट्स में जो नंबर्स की बदौलत हमको रिकॉर्ड स्तर मिल गए, खासकर एप्पल, और दूसरा इंपॉर्टेंट आप कच्चे तेल का आउटलुक हमको रख रहे थे जो कि अभी कहीं नरमी के संकेत नहीं दे रहा। हाँ देखिए, लेकिन एक नरमी हमको वापस तेजी से दिखी है एफआईज की तरफ से, कल 9,000 करोड़ से ज्यादा की कैश में बिकवाली, यानी कि आखिरी कारोबार सत्र में 9,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली उनकी तरफ से होती हुई दिखी है, ये कंसर्न है, ये चिंता की बात है। एसजेक्स निफ्टी के अंदर भी हमने देखा है कि आज गिरावट है, तो दो इंपॉर्टेंट नेगेटिव ट्रिगर आपको ओपनिंग में मिल गए, फर्स्ट एसजेक्स निफ्टी का नेगेटिव होना प्लस एफआईएस की बिकवाली का हो जाना, ये धीरे धीरे करके हम इसकी कड़ी पूरी चैन बनाते हुए चलेंगे। अब जरा एक बार आउटलुक देखिए मार्केट का, हमने जो ग्लोबल मार्केट्स एफआईएस का डाटा और क्रूड का डाटा उसके एनालिसिस करके देखा, बाजार में आज दायरे का ही कामकाज होगा, दायरे का कामकाज एक कंडीशन के हिसाब से 390 का स्टॉप होना चाहिए, 10,390 का, अगर नहीं टूटता तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी में कोई बड़ी मुनाफा वसूली के संकेत नहीं है, हमने इसमें यह नहीं लिखा कि आप इसमें खरीदारी करें बिकवाली करें, हमने सिर्फ यही बात आपके सामने रखी है कि इससे बड़ी मुनाफा वसूली के संकेत नहीं है, छुटपुट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए
सपोर्ट भी आपको बता रहे हैं, 25,490 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। इसलिए कोई भी बड़े सौदे भी बनाइएगा नहीं, जो है ना उसी को संभालिए, ये ज्यादा जरूरी है। अब आइए कुछ आउटलुक पे हम और मार्केट के आते हैं। छोटे और मझोले शेयरों में आप ज्यादा ध्यान दें, ये स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और आप पिछले 2-3 दिन से देख भी पा रहे हैं, चर्निंग हो रही है बाजार के अंदर, लेवल के हिसाब से मेंटेन हो जाए शायद, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्मर वाली रेटिंग पे आ रहा है, तो इसमें ज्यादा फोकस कीजिएगा। कॉमोडिटीज, फार्मा, रियल एस्टेट, इन तीनों सेक्टर पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। रियल एस्टेट पे आज डीएलएफ की खबर है, फार्मा पे आज टॉरेंट की खबर है, कॉमोडिटी बेस्ड शेयर चल रहे हैं, इसलिए तीन सेक्टर बन गए हमारे लिए जो आज नोटिसेबल सेक्टर्स बनने वाले हैं। नोटबंदी से जुड़ी हुई कंपनीज पर भी आप ज्यादा ध्यान दें, वो इसलिए क्योंकि इनमें तेजी जारी रह सकती है, 8 नवंबर की डेट सामने ही आपके खड़ी है, तो इसलिए ये भी आज का फोकस होना चाहिए। कच्चा तेल अभी हमको रजत समझा रहे थे, ये भी आपके फोकस में होना चाहिए। तो 6-7 पॉइंट आप पिन कर लीजिए कि इसी के इर्द गिर्द हमको घूमना है। अपने ट्रेड जो ले चुके हैं, लेना चाहते हैं या फिर किसी को काटना है, प्लस करना चाहते हैं, थोड़ा कोशिश करें इन्हीं सेगमेंट के आसपास अगर है तो उसमें ज्यादा सतर्कता बरते आप। आगे बढ़ते हैं, अब आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित सिंगरे हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट बोनांजा के। रोहित शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज मार्केट में जो ओपनिंग संकेत है ना, थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। एक तो एसजेएक्स निफ्टी, ऊपर से एफआईएस का मेजर सेलिंग का डाटा आ गया 9,000 करोड़ का। मार्केट को सपोर्ट 10,390 के इर्द गिर्द मिल सकता है। बिल्कुल, 10,380-10,390 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। आई थिंक आज के अगर हम लोग सेशन की बात करें तो कल की गिरावट हम लोग को स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, बट आई थिंक एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 के लेवल से। आई थिंक अगर 10,380-10,390 को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है इन लेवल्स को, ऐसा वापस हम लोग एक बार 10,500 की तरफ बढ़ना चाहेंगे आई थिंक, तो बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। टॉप लॉस जो रहेगा 10,380 का रखना पड़ेगा। ठीक है, यही 10,380-390 वाला लेवल हमने भी अपनी स्टडी के अनुसार रखा और यही हमको रोहित भी बता रहे हैं, लेवल्स बिल्कुल सेम है, चार्ट पे दिखते हैं, लेवल्स अपनी भाषा खुद बोलते हैं, इसलिए 10,380-390 का एक अहम सपोर्ट है। आज ओपनिंग में तो कम से कम ये नहीं टूटना चाहिए, उसके बाद तो खैर बाजार जैसे चलेगा हम वैसे वैसे बात आगे बढ़ाएंगे। रोहित, आज के शेयर्स आई थिंक बेल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, 2-3 दिन से काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। टारगेट इसके अंदर आई थिंक 104 के रहेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको एक बार 98 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है। फ्राइडे के सेशन हम लोग ने काफी अच्छी एक बाइंग देखी थी वॉल्यूम के साथ में। आई थिंक यहाँ पे भी एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 1865 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको 1810 के लिए मेंटेन करना है। ठीक है, एक तो BHEL आप हमको बता रहे हैं, 104 का टारगेट है, 98 का स्टॉप लॉस है, ये ध्यान देने वाला शेयर है। खैर हमने आपको 91 पे भी एक बार बताया था कि इसके नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं, कुछ एक दिनों में इसके नंबर्स आएंगे, खैर उससे ठीक पहले 104 हो सकता है। इसके अलावा कोई और शेयर रोहित? ठीक है, यही शेयर से। ठीक है, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। एक तो निफ्टी पे आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए और BHEL 104 का टारगेट है, 98 का स्टॉप लॉस है। एक ब्रिगेड भी आप नोट कर ले, चॉइस ब्रोकिंग की ये कॉल है, वो कह रहे हैं कि 298 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 275 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस नोटिस करने वाला शेयर है। श्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक, 138 का टारगेट है, 127 का। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं आपके सामने, आराम से इसको आप नोट करें क्योंकि ये ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब बाजार के अंदर इस तरह की थोड़ी कशमकश चल रही हो ना, ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं कि चलती नहीं, चल ज्यादा हो जाए, तो एक पर्टिकुलर शेयर्स पे ही अपने आपको रोक लेना चाहिए बस। इसलिए महिंद्रा CII का टारगेट आप नोट करें, 260-248। और आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप लॉस पे और ज्यादा ध्यान दें, टारगेट अपने कंफर्ट के हिसाब से भी रखिएगा आप। सेंचुरी प्लाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर है, GST की बैठक होने वाली है, उसमें प्लाई वाली कंपनीज को राहत मिल सकती है, 28% की ब्रैकेट में है, 296 का टारगेट रखें। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि शायद कुछ इस तरह कोई शेयर मिल जाएगा हमको, 284, आज का मेरा सबसे ज्यादा फोकस वाला शेयर सेंचुरी प्लाई हो जाएगा। टाटा मोटर्स, इस पर ध्यान दें, इसका लास्ट का ट्रेंड बड़ा अच्छा था, आपको ध्यान होगा अंतिम बाजी में हमने आपको नोटिस भी करवा के दिखाया था, देखिए कैसे शेयर चला, करीब 2.5% जाके बंद हुआ। 458 का टारगेट है, 440 का स्टॉप है। टाटा मोटर्स सेल, ये भी एक बड़ा कंटेंडर है सरकार के विनिवेश की लिस्ट के अंदर, 9% ऊपर हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, कुछ और फायदा मिल सकता है तो 90 रुपए का। स्टॉप लॉसेस में जरूर ध्यान रखें, 86 का बेहद करीब स्टॉप लॉस है, तो आपको यहां पे ध्यान रखे हुए इन पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर आपको ट्रेड लेना है। तो कॉल्स हो गई, इंटरेस्ट का आउटलुक आपने देख लिया मार्केट का, साथ ही साथ हमने निफ्टी के बारे में भी डिस्कस किया, और अब बात ऐसे सेगमेंट की जो बाजार के अंदर सबसे एक्टिव है, यानी कि नंबर और खबर, तो इसी को शुरू करते हैं। आज का स्टॉक्स टू वॉच देखते हैं और अंचल से जानेंगे टाटा पावर के नतीजे कैसे रहे हैं। सो
सुमित और अंचल दोनों सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो पहले अंचल आपसे शुरुआत करें क्योंकि नंबर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाटा पावर के नतीजे कैसे रहे? वीक है डिम्पी। देखिए टाटा पावर से उम्मीदें थी फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स की, उसके विपरीत इस भाई नंबर्स पे प्रेशर रहा। कंसोलिडेटेड बेस पे मुनाफा महज अगर आप देखें तो करीब 45% टूटा, तो वहीं आय महज 1.5% ही बढ़ी है। रेवेन्यूज उतने अच्छे नहीं रहे कंपनी के, मार्जिन अगर आप एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी 0.25% के करीब बढ़ता हुआ दिखा, और एबिटा मार्जिन स्लाइटली डिप किए। उम्मीद की जा रही थी स्लाइटली इंप्रूवमेंट की, करीब 20-30 basis points का जंप देखने की उम्मीद थी एबिटा मार्जिन में, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसके विपरीत गिरे हैं, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा कंपनी का मुनाफा अगर आप देखें 45% टूट गया, 234 करोड़ ही रहा। कंपनी का टैक्स पे आउट बढ़ा है, ओवरऑल खर्च बढ़ा है जिसने इंपैक्ट डाला है, और फाइनेंस कॉस्ट जो एक हमेशा से एक बड़ा डेटरेंट रहा है टाटा पावर के केस में, वहां पे भी इजाफा आया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल मुनाफे में डेंट रहा। एज सच आज के सत्र में डिम्पी अगर बाजार एक्चुअली एसजेएक्स निफ्टी को फॉलो करता है और गिरावट के साथ चलता है तो टाटा पावर में प्रेशर रहेगा, और बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ शुरुआती दौर में डेफिनेटली स्लाइड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये 84.50 तक है, ये शुरुआती गिरावट कहां तक की समझे? डिम्पी अगर आप मुझसे पूछे मुझे बेट लगानी होगी तो मैं करीब 2-2.5% के टारगेट के साथ बेट लगा सकता हूँ। 2-2.5% तक की गिरावट है, शायद इसके बाद इस शेयर ना गिरे, एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करें। ये नंबर्स और साथ ही ट्रेडिंग का थोड़ा सा हल्का सा आउटलुक आपको अंचल ने कैलकुलेट करके बताया। लेकिन एक और खबर भी है जो आज का दिन बना सकती है आपका, वो है टॉरेंट और यूनिकैम डील। तो सुमित खबरों के सिलसिले को ना इसी से शुरू करते हैं, पहले मेरे को जरा टॉरेंट और यूनिकैम डील के बारे में बताएं। आपने एमटेक बताया था एक ही शेयर के साथ डील होनी थी लेकिन पूरा ग्रुप चला दिया, आज कुछ वैसा ही होगा क्या फार्मा में भी? मिडकैप फार्मा के लिए आज दिन फिर सकते हैं डिम्पी, क्योंकि जो सौदा हो रहा है वो बहुत ही अच्छा सौदा कह सकते हैं यूनिकैम के लिए भी और टोरेंट के लिए भी। टोरेंट जो है कि यूनिकैम का कारोबार खरीदने जा रहा है, बेसिकली ये बिजनेस तो डोमेस्टिक कारोबार को लेकर है, ये जो अधिग्रहण है डोमेस्टिक कारोबार को लेकर है, लेकिन इसके तहत कंपनी का भारत और चाइना इन दोनों का ही जो कारोबार है वो इसके अंदर आ जाएगा, और इससे करीब करीब यूनिकैम के पास भारत और चाइना के साथ साथ 120 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आएगा, और इसके अलावा सिक्किम में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई है वो भी कंपनी के पास आ जाएगी, यानी टोरेंट के पास आ जाएगी। 3600 करोड़ रुपए में सौदा होने जा रहा है, तो प्रीमियम के तौर पे कह सकते हैं यूनिकैम के लिए भी। दोनों के लिए इसके अलग अलग फायदे हैं, पहले टोरेंट के फायदों की बात करी जाए तो टोरेंट क्योंकि यूनिकैम का जो नेपाल और भारत की एक्सेस है वो मिल जाएगी, 120 नए प्रोडक्ट जो है वो पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे, साथ साथ सिक्किम की इकाई जो जैसे की बात हुई पहले वो भी मिल जाएगी। टोरेंट की मार्केट शेयर सीधे 2.5% से बढ़ के 3.5-4% के आसपास पहुंच जाएगी, और पांचवी सबसे बड़ी भारत की फार्मा कंपनी के तौर पर टोरेंट जानी जाएगी। कार्डियोलॉजी बिजनेस के तहत कंपनी को अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल मिल जाएगा, नए 3000 कर्मचारी, ओटीसी कारोबार, ऐसे करके कई सारी चीजें हैं जो कि टोरेंट के झोली में आते हुए दिखाई पड़ेंगी। वहीं यूनिकैम की बात करें तो यूनिकैम के लिए एक अच्छी चीज है कि उस रकम का इस्तेमाल वो फर्दर इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए कर सकते हैं। बायोसिमिलर कारोबार इसमें भी बहुत ज्यादा मजबूती नहीं है, वो कारोबार विस्तार करने के लिए कंपनी इस रकम का इस्तेमाल कर सकता है। शेयरधारक कुछ इसे ऐसे भी देख रहे हैं क्योंकि ये सौदा यूनिकैम ने किया है और एक अलग अपने एसेट्स को बेचा है, तो स्पेशल डिविडेंड की जो पॉसिबिलिटी है वो भी दिखाई पड़ रही है यूनिकैम के अंदर, तो शायद ये स्पेशल डिविडेंड का बज यूनिकैम को खींच दे और अच्छे अधिग्रहण का बज टोरेंट को खींच दे। अच्छा, डील दोनों के लिए विन विन है, दोनों के लिए फायदे का सौदा है, निम्पी कह सकते हैं दोनों के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि एक अच्छे प्राइस पर हुई है, अच्छी वैल्यू पर हुई है, और स्पेशल डिविडेंड जाहिर सी बात है ये जरूर बस जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं टॉरेंट फार्मा स्वाभाविक से बात है गैप के साथ खुलेगा, उसके बाद भी चलने की प्रोबेबिलिटी है गैप के साथ खुलने पर, हो सकता है 10% भी खुले। देखिए डिम्पी टोरेंट फार्मा अगर बहुत ज्यादा गैप पे खुलता है तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ यूनिकैम में जो ज्यादा बेट करने की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ट्रेडिंग के हिसाब से ओपनिंग ट्रेड के हिसाब से आप एक बार यूनिकैम पे ज्यादा ध्यान रखिए अगर टोरेंट फार्मा ज्यादा बड़े गैप के साथ खुल जाता है तो। अच्छा सुमित, कुछ और खबरों वाले शेयर्स? आज एक और हिस्टोरिकल डे है क्योंकि रिलायंस निपॉन की लिस्टिंग होने जा रही है, एडीएजी समूह के काफी अंतराल के बाद एक और नई लिस्टिंग होने जा रही है, और ये एएमसी कारोबार की लिस्टिंग होगी, पहली एएमसी जो कि आज भारत में ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ेगी। इशू प्राइस 252 रुपये प्रति शेयर रखा गया था और प्राइस बैंड 247-252 रुपये इसका तय किया गया था, 81 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, 1542 करोड़ रुपये यहाँ पे जुटाए थे, तो ये क्रूशियल है, आप नजर रखिए इसके ऊपर। न्यू इंडिया एश्योरेंस का आईपीओ बंद हो गया है और जो आईपीओ बंद हुआ है वो करीब करीब 1.25 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है, 800 रुपए इसका अपर प्राइस बैंड है, 9600 करोड़ रुपए कंपनी ने आईपीओ के जरिए जुटाए हैं। तीसरा आईपीओ खादिम्स का है जो कि अभी भी चल रहा है, इसका आज आखिरी दिन है, करीब करीब 14% तक सब्सक्राइब हुआ है और
आज लास्ट डे के तौर पर है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो बाकी सोर्सेज पे इन्फॉर्मेशन है 45% सब्सक्रिप्शन की भी दे रही है, लेकिन एनएससी पे 14% सब्सक्राइब हुआ है, 750 करोड़ रुपए इसका अपर प्राइस बैंड है, 543 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और कुछ अच्छी खबरों में डीएलएफ पे आप नजर रखें, जहां पे जो इनकी जीआईसी के साथ सौदा था 8,900 करोड़ रुपए का, उसको सीसीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी के लिए बड़ा गेम चेंजर रहेगा ये, क्योंकि अब तक डेट रिडन कंपनी थी, लेकिन इस सौदे के बाद से कंपनी अब कैश फ्लो जनरेट करना शुरू कर देगी, तो अच्छी खबर हो सकती है, आप इसके ऊपर नजर रखें। तेजी देखने को मिलती है डीएलएफ में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में तेजी की उम्मीद लगाएं, क्योंकि कंपनी की बोर्ड बैठक है 10 तारीख को, जिसमें रिजल्ट तो आएंगे ही, प्लस एक बोनस के ऊपर भी फैसला हो सकता है, तो ये बोनस का बाज इसे खींच सकता है। और आखिरी में जायकॉम, जहां पे फंड रेजिंग की खबर है, करीब करीब 200 करोड़ रुपए जुटाएगी पी फंड्स के जरिए, ये भी अच्छी खबर है, तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जायकॉम पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये शेयर मैं ये तो नहीं कह सकता कि पहले बहुत चला है या फिर बहुत चलता है, लेकिन इस तरह की शेयर्स पे, इस तरह की खबरों पे रिएक्शन इस शेयर का बहुत अच्छा आता है। जायकॉम आज का शेयर ध्यान रखिएगा इस पे भी आप। सुबह शुक्रिया, ये काफी सारे शेयर्स आपने बताए, यूनिकैम डील के बारे में बताया, और ये भी बताया कि हाँ आप यूनिकैम पे ज्यादा ध्यान दें बजाय टॉरेंट फार्मा, जो ज्यादा बड़े गैप के साथ अगर खुल जाता है, तो शुक्रिया ये सभी खबरों का जानकारी हमको देने के लिए। तो आज एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा कमजोरी के संकेत दे रहा है, एफआईएस बिकवाली के संकेत दे रहा है, एक हमको ध्यान रखने आज का इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 10,390 का है, कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स आपको मिली है, इसमें ज्यादातर अभी भी बाय कॉल है, यानी कि मार्केट का शॉर्ट टर्म कन्विक्शन हो सकता है उसमें उथल पुथल दिखे, लेकिन वैसे मार्केट में बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है बना हुआ, इसमें कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है, लेकिन बात कच्चे तेल को लेकर हो रही है। और अब बातचीत करने के लिए कुणाल शाह मेरे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटी से। कुणाल शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए, आप हमेशा से बात कहते रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी आ सकती है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें इसके अंदर और कोई भी शॉर्ट्स ओपन नहीं रखें, आपकी बात सच निकली। और अब हमको ब्रेंट और नायमैक्स दोनों ही 55 और 162 के पार हो गया है, अभी क्या करना है सर क्रूड के अंदर कुणाल? मुझे लग रहा है कि अभी भी क्रूड में कोई मंदी वाली बात नहीं है, तो ओवरऑल यहाँ से और सेंटिमेंट भी थोड़ा अपसाइड आ सकता है। अच्छा। 55 डॉलर्स के ऊपर एक नया 57 डॉलर तक का रेजिस्टेंस बन रहा है ऑयल में, सो आप बाई कर सकते हैं 35.70 में और 36.20 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 36.20 का टारगेट एक बार आप दिखाएं, 36.20 का टारगेट है, 35.40 का एक स्टॉप लॉस है क्रूड के अंदर, इस चीज पे आज का फोकस है, ये ट्रेडिंग कॉल है जिसको आप कन्वर्ट करके आज सौदे खड़े कर सकते हैं। कुणाल नेचुरल गैस पे क्या करना चाहिए हमको? नेचुरल गैस फंडामेंटली बहुत अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है 194 पे बाई करके 200 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, एक बार 201 का टारगेट है नेचुरल गैस पे, आज सोने पे कॉल ले लेंगे, आज क्रूड का ही दिन है, आज क्रूड पे आप काम कीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने है 3620 का टारगेट, 3540 का स्टॉप लॉस, और साथ ही 201 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस है। कुणाल शुक्रिया ये हमको जानकारी देने के लिए कि क्रूड के अंदर अभी भी तेजी ही खड़ी करके रखे, और जो सौदे अभी खड़े कर रहे हैं थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ आपको उतरना है, इसके बिना नहीं उतरना है। अब एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, नोटबंदी के बाद शेल कंपनियों में काले धन को सफेद करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने ब्लैक मनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2,24,000 कंपनियों को बंद कर दिया है, साथ ही इनके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। इन कंपनियों में नोटबंदी से पहले 2 साल या उससे भी अधिक वक्त में कोई कारोबार ही नहीं हुआ था, लेकिन नोटबंदी के बाद इन कंपनियों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। सरकार ने नोटबंदी के वक्त 56 बैंकों से मिली जानकारी के बाद इन कंपनियों पर कार्रवाई की है, इनमें से एक कंपनी तो ऐसी है जिसका नोटबंदी से पहले बैलेंस भी नेगेटिव था। प्रधानमंत्री मोदी ने शेल कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का हिमाचल की एक रैली में भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें से एक कंपनी तो ऐसी थी जिसका 2100 बैंक खाते थे। और अब बात नोटबंदी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, वो है जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल 10 नवंबर को होने वाली बैठक में रोज के इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं पर टैक्स की दरें घटाने पर विचार करेगा। काउंसिल की बैठक में हाथ से बने फर्नीचर, प्लास्टिक प्रोडक्ट और शैंपू जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल सामान होने वाले पर जीएसटी दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है। कई जो सामान है जो इस्तेमाल वस्तुओं में 28% की जीएसटी दर से कम करने पर भी इसी बैठक में विचार होगा। ये बैठक असल में 28% जीएसटी वालों को ब्रैकेट से बाहर करने के लिए है। जीएसटी को इस साल 1 जुलाई से लागू किया गया है, इसके बाद से जीएसटी काउंसिल की बैठक हर महीने हो रही है, कुछ संशोधन हो रहे हैं। इन बैठकों में कई ऐसे बदलाव भी किए गए जिससे कंपनीज के साथ कंज्यूमर पर भी इसका बोझ कम हो जाएगा।
तो जीएसटी पर ध्यान रखना है आपको, और साथ ही नोटबंदी को लेकर एक अहम बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया, लेकिन साथ ही साथ ट्रेडिंग के लिए भी आपको हमेशा की तरह लास्ट में हम आपको ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल्स दिखाते हैं, और रजत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इन्हीं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के साथ। रजत बताएं आज क्या कह रही है रिपोर्ट्स। बिल्कुल, पहले तो नतीजे वाला ही शेयर है सीएलएसए की, टाटा पावर पे यहां पर रिपोर्ट है वो आई है। देखिए फिलहाल तो 84 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी के यहाँ पर सलाह दी गई है और लक्ष्य जो है वो 100 रुपए के दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो अर्निंग्स आई हैं इसमें जो डीलेवरेजिंग प्लान है वो बहुत बेहतर ट्रिगर जो है उस कंपनी के लिए बताया जा रहा है, और हो सकता है यहाँ से अभी तेजी पकड़े। आज के दिन अगर कोई डिप भी आती है तो उस फिर से एब्जॉर्ब करेगी मार्केट स्टॉक को। इसके अलावा यूनियन बैंक के ऊपर एक कॉल है सीएलएसए की, और यहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, खरीदारी की सलाह है, और लक्ष्य देखिए आप जो जिस तरीके से रिवाइज किया है 160 से बढ़ाकर सीधा 210, फिलहाल 173 के लेवल की क्लोजिंग है, यानी कि यूनियन बैंक हो सकता है एक स्टॉक जहां पर इस रिपोर्ट का असर आता हुआ नजर आए, और एसेट क्वालिटी जिस तरीके से स्टेबलाइज हो रही है एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर है स्टॉक के लिए माना जा रहा है। टॉरेंट फार्मा तो फोकस में रहेगा ही, यहां पर यूनिकेम लैब के साथ 3600 करोड़ की डील साइन की है, सीएलएसए मानता है खरीदारी की की जा सकती है, लेकिन जो टारगेट्स हैं उसको रिवाइज कर दिए गए हैं, 1660 के बजाय अब वो 1640 के टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, वो भी मौजूदा स्तरों से बहुत अपसाइड पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, तो स्टॉक पर नजर रख के चल सकते हैं आप। नोमुरा की भी यहां पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है, लेकिन उनका जो टारगेट है वो 1396 के आसपास का ही है मौजूदा स्तरों के आसपास। इसके अलावा टाइटन आज फोकस में रहने वाला है, और यूबीएस की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने लक्ष्य को रिवाइज कर दिया है, 750 से बढ़ाकर सीधा 810 खरीदारी की सलाह यहां पर भी देखने को मिली है, और मैक्वायरी की जो रिपोर्ट है टाइटन पे वहां पर भी खरीदारी की ही सलाह है, आउट परफॉर्म इनफैक्ट वो मान रहे कि स्टॉक कर सकता है, और टारगेट है 907 का। ठीक है, तो 907 का टारगेट है, शेयर अभी थोड़ा नीचे है, आप इस पे ध्यान रखें। रजत शुक्रिया, ये सारे शेयर्स ना आज आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट वैसे भी छोड़ेंगे। टाइटन के आज मैनेजमेंट है हमारे साथ 10:30 बजे, आप जुड़िएगा हमारे साथ, टाइटन की मैनेजमेंट होगी। और रजत हमको बता भी रहे थे कि एक तो टॉरेंट फार्मा है, हमने आपसे ये भी कहा था कि टाटा पावर ज्यादा नहीं टूटेगा, रिपोर्ट्स भी बाय के बारे में ही कह रही है। रजत शुक्रिया, ये सारी रिपोर्ट्स और सारे एंगल्स हमारी न्यूज के साथ भी मैच कर रहे हैं। शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ के हमसे जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही।